मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से लालकुआ बांधवा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैची धाम के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांधवा के मध्य ट्रेन संचालन का स्वप्न पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि लालकुआ बांधवा टर्मिनल के बीच नई ट्रेन 22544 सोमवार को लालकुआ से सुबह 7:45 पर चलेगी और ये ट्रेन रुद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, वडोदरा, सूरज होते हुए अगले दिन मंगलवार को सुबह 8:30 बांधवा टर्मिनल पहुंचेगी और वापसी में बांधवा टर्मिनल से सुबह 11:00 प्रस्थान कर अगले दिन बुधवार को 1:15 लालकुआ पहुंचेगी। इस गाड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए सेकंड एसी का एक कोच, थर्ड एसी के दो कोच, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 3 कोच, स्लीपर क्लास के 6 कोच और सामान्य श्रेणी के 4 कोच लगाए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नीम करोड़ी बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था हम लोगों की, बहुत लंबे समय से जो मांग थी वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लालकुआ बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहां तराई के लोगों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी।